स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम होली क्यों मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होली को रंगों का त्यौहार कहते हैं क्योंकि ब्रिज रीजन, जहां पर इंडिया में लॉर्ड कृष्णा जहां पर पैदा हुए थे और ब्रिज एरिया के लोगों ने इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया था, वो इसे रंगों का त्यौहार कहते थे और रंगों से मनाते थे, क्योंकि ये फेस्टिवल उनको याद दिलाता है लॉर्ड कृष्णा की, जो वहाँ पर पैदा हुए थे। और ये फेस्टिवल उन्हें याद दिलाता है लॉर्ड कृष्णा और राधा जी के प्यार के लिए, डिवाइन लव के लिए। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने इसे रंगों से मनाना, रंगों से खेलना शुरू किया था, इसलिए इसे रंगों का त्यौहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं। सेकंड रीज़न है, ये फेस्टिवल हमें सच्चाई की बुराई के ऊपर विजय को दर्शाता है। तो पुराने समय में प्रहलाद जी जो थे वो मरने से बच गए थे, उनको आग ने नुकसान नहीं पहुँचाया था, और जो ईविल थी, जो होलिका थी जिसे वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलती, उसकी जो ना जलने वाली चुनरी थी वो जब जलाते हैं तो वो प्रहलाद जी के ऊपर आ जाती है और होलिका जल जाती है। तो ये फेस्टिवल हमें बताता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। तो इसके लिए रंगों के त्यौहार से एक दिन पहले होलिका बोन फायर कहते हैं, क्योंकि होलिका दहन बोलते हैं, होलिका को जलाते हैं, हम अपनी बुराइयों को जलाते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस स्पीच को, इस मैसेज को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।